वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। इस वीडियो में मैं आपको एब्रीविएशंस एंड एक्सपेंशंस के बारे में बता रहा हूँ, जो कि बेसिकली फुल फॉर्म बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फुल फॉर्म में बताऊंगा क्या फुल फॉर्म है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे SSC का एग्जाम है, इंडियन रेलवेज का, RRB का एग्जाम होने वाला है, SBI का एग्जाम है, IBPS का एग्जाम है, UPSC का एग्जाम है। इस तरह के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी ये यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर लें, और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें, और इस जो एब्रीविएशन है उसके जो लिंक है वो दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं हमारे वेबसाइट indiabud.com पे जाके। तो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताइएगा, उसके बाद मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस बताऊंगा जो कि काफ़ी यूजफुल होंगे अदर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एब्रीविएशंस के बारे में। सबसे पहले आता है UTI। UTI का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है STCI, जो कि सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। फिर नेक्स्ट है IDBI, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, LIC ने उसका शेयर काफ़ी ज़्यादा खरीद लिए हैं, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है IRBI, जो कि इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया है। एक्जिम बैंक, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। SIDBI, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है NABARD, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे एब्रीविएशंस पे चल रहे हैं। LIC के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि उसने रिसेंटली अभी IDBI में शेयर्स काफ़ी ज़्यादा खरीदे हैं, तो LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। SCICI का है शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हुडको HUDCO इसका है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। NHB RBI की सब्सिडियरी है, इसका है नेशनल हाउसिंग बैंक। IFCI इसका है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। GIC इसका जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RCTC इसका है रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है TDICI, इसका है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है TFCI, जो कि है टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है DFHI, इसका फुल फॉर्म है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है IREDA, जो कि है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट है PFC, जिसका है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है REC, जिसका है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है IRFC, जिसका है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और अभी रिसेंटली एक बैंक बनी है IDFC, जिसका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये रहे फुल फॉर्म्स आपके इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। और नेक्स्ट अगर आप और वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड, एब्रीविएशंस फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, या लाइक करें तो हमें अगर अच्छा रिव्यू मिलेगा तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, जो कि 5-6 पार्ट और बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस है और सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह का आपको बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो, और सब्सक्राइब हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।